सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। थोड़ी मेरी बातों पे और अधिक ध्यान दो। सीमाएं हैं नगर देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्थान देवता। वहां से आगे बेटी को विदा कर दिया करते थे। अब बेटी जाए, क्योंकि अब सीमाएं सिमट गई हैं, हमारी सीमाएं यहां तक है। और वहां पे सूतक आदि का भी विधान था, यहां तक था कि जैसे ही पुत्री का हमने कन्यादान कर दिया, विवाह हो गया हमारी बेटी का, और उनके यहां कोई बात हो गई है अथवा हमारे यहां कोई बात हो गई है, तो सूतक का विधान लगता था। क्योंकि इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता बदल गए, कुल देवी बदल गई है, तो हमारी पुत्री का सकल रूपांतरण हो गया है, वो देवता एक्सचेंज हो गए एक तरीके से। वो नाड़ी में जो रक्त है, वीर है, मज्जा है, मांस है, मैद है, रुधिर है, तत्व है, द्रव्य है, एक्सचेंज सब वो बदल गया। द्रव्य बदल जाता था, द्रव्य पूरे केमिकल्स चेंज हो जाते थे। जो मेरे पति का द्रव्य है वही मेरा द्रव्य है, जो वहां का कुल गोत्र वंश परंपरा है वही मेरी वंश परंपरा है, द्रव्य बदल जाते थे। इसलिए मैं वहां तक लेकर जाऊंगा अपनी बहन को जहां तक हमारी सीमाएं, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, और ये थे, ये अभी भी हैं। मेरा बहुत लंबा समय पहाड़ पर बीता है, उत्तरकाशी आदि के पहाड़ों पर मेरा लंबा कुछ समय बीता है, और वहां मैंने देखा है, आज भी वहां दैवत्व तो है, आज भी वहां पर नगर देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता और ग्राम देवता आज भी वहां चैतन्य है। नगर ये कोलाहल में इस तकनीक के युग में इस तरह की जो प्रचंड टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथ लगी है, उसमें भले ही हम कुछ चीजें भूल गए हों, पर स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वासु देवता, कुल देवी आदि हमारी रक्षा करते हैं। उनका अपना कोई एक विधान है। कुछ हैं बातें, क्षौर कर्म किस दिन हो, कुछ बातें हैं वैज्ञानिक बातें, आप नहीं माने तो बात अलग है, पर बृहस्पतिवार के दिन प्राय क्षौर कर्म आदि के लिए निषेध है। कुछ बातें हैं कि किस दिन क्या करें क्या न करें, उसके पीछे कोई वैज्ञानिकता है। लेकिन जैसी सीमाएं अभी रहती थी, सहसा अंबर को चीरते हुए एक ध्वनि आई नभ के छोर से, और वह धरा पर ध्वनि बिखरने लगी। आकाश एक वाणी उतर कर आई, आकाशवाणी, अरे कंस मूढ़, जिसे तू अपनी भगनी कहता है, वह तेरे काल की जननी है, उसी के आठवें गर्भ से तेरा प्राणहंता मृत्यु दाता आएगा, वह तेरे केश पकड़कर खींचेगा, मुष्टिक प्रहार कर तेरे गर्भ से भरे हुए वक्षस्थल पर पादप प्रहार करेगा, और तेरे केश खींचकर तुझे मृत्यु देने वाला मृत्युदाता देवकी के आठवें गर्भ से पैदा होगा। देवकी तेरे काल की जननी है, जिसे तू भगनी कहता है। इतनी बात सुननी थी, कुछ पल इतना ही तो सुनाऊं उसने, तो उसका स्नेह, ममता, अपनापन, आसक्ति, भगनी, प्रेम सब चला गया, उसी समय सब निकल गया। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।